ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कि 13 अगस्त के बारे में। 13 अगस्त को ऐसा क्या है? 13 अगस्त को है अपना प्रदोष व्रत। कौन सा व्रत है? प्रदोष व्रत। और ये अधिक मास श्रावण में पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा ही आपको इसका लाभ मिलने वाला है, इसका आपको पुण्य मिलने वाला है। अगर आप ये 4 उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। बस ये 4 उपाय करें और आप खुद देखेंगे कि आपको इसका फल कितना अच्छा मिलता है। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है कि आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेना है और आपको सीधे जाना है शिवालय। तो बात करेंगे कि ऐसा कौन सा जल है जो कि आज के दिन हमें घर नहीं लेके जाना चाहिए शिवालय से। ऐसा कौन सा जल है जो हमें घर लेके नहीं जाना है? तो आज हम उसी के बारे में, ये वाले उपाय में बात करेंगे। तो आपको जल का वो जो लोटा लेके गए हो आप, आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे भगवान के ऊपर आपको वो चढ़ा देना है जल को। फिर उसके बाद आपके राइट हैंड से वो पानी को आप बहने नहीं देंगे। जहाँ से जल बहता है ना, ये वाले पार्ट से जब आप जल चढ़ाएंगे तो जल गिरता ही है जल धारा में से जाके। तो आपको क्या करना है, वो बहने नहीं देना है, वो आपको रोक लेना है अपने हाथ से। वहाँ पे आपका हाथ रख देना है तो इससे क्या होगा, वो जल नीचे नहीं गिरेगा। तो आपको इस टाइम पे क्या करना है, आपको अपनी मनोकामना, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको कष्ट संकट है, जो भी आप चाहते हैं, आपके व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, या फिर आप किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं और क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप जो भी चाहते हैं, आप यहाँ पे भगवान से वो चीज़ को मांगें। और आँख बंद करके नहीं मांगना है आपको, आँख आपकी खुली रहनी चाहिए और भगवान के लिंग की तरफ, शिवलिंग की तरफ देखते हुए आपको अपनी मनोकामना को मांगना है। फिर उसके बाद आपको जल जो है वो आपको किसी बर्तन में नहीं लेना है, ठीक है? आपको ये अपना हाथ हटा देना है, वो जल को छोड़ देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने कष्ट को भगवान से मांगा है कि हमारे कष्ट को दूर करो। तो आपको वो जल को बहने देना है जो आपके हाथ में जल लगा है, आपने रोक के रखा था, आपको आपके दोनों नेत्रों में लगा लेना है, दोनों आँखों में लगा लेना है और भगवान से कामना करना है कि भगवान आप हमारी इच्छा जल्द से जल्द पूरी करें। फिर उसके बाद ये था हमारा पहला उपाय। तो आपको यहाँ से जल नहीं लेके जाना है जो आपने अभी चढ़ाया। अगर आप कोई दूसरा उपाय कर रहे हैं तो आप उसका जल लेके जा सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने उपाय बताई वो आपको जल नहीं लेना है, याद रखें। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरा उपाय है उसमें आपको लेना है यहाँ पे 1 बेलपत्र। तो क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए? 5 की क्वांटिटी रहनी चाहिए। और आपको 2 लोटा जल लेना है, या फिर दोनों तांबे का रहे, या फिर स्टील का है और 1 तांबे का है, या फिर दोनों तांबे का है या दोनों स्टील का है, कोई भी चलेगा आपको, लेकिन 2 लोटा जल लेके जाना है, ठीक है? 2 लोटा जल लेके जाना है आपके दोनों हाथों में, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, दोनों हाथों में जल लेके आपको शिवालय जाना है और वो 5 बेलपत्र। तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो 5 बेलपत्र आपको शिव भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको रख देना है। तो याद रखें कि डंडी अशोक सुंदरी के इधर रहनी चाहिए और जो पत्ता है वो आप नॉर्थ साइड, कभी भी पूजा करने बैठते हैं तो नॉर्थ साइड फेस करके शिवालय में बैठें और वो जो पत्ता है वो आपके साइड होना चाहिए और जो डंडी है वो
जहाँ से जल बहता है वो साइड होना चाहिए, उधर ही अशोक सुंदरी का प्लेस है। तो आपको ऐसे बेलपत्र पांचों चढ़ा देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद आपको दोनों हाथों से आपके वो लोटे का जल जो है वो भगवान शिव के ऊपर धीरे धीरे अर्पण करना है। और यहाँ पे आपको भगवान का एक दूसरा नाम, बहुत प्यारा नाम है, वो आपको लेना है। एकांक्षी महादेव का जाप करते हुए आपको वो शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे भगवान को जल अर्पण करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो दोनों जल जो बहते हुए गया वहाँ से आपको थोड़ा सा पानी आपके नेत्रों में लगाना है और भगवान से आपकी जो भी इच्छा रुकी हुई है या कोई रोगी है तो आप मनोकामना, आपकी इच्छा भगवान से मांगे कि भगवान जल्द से जल्द वो रोग को दूर करो और हमारे कष्ट को हरो। तो भगवान आप ये जो उपाय है वो करने से आपकी मनोकामना पूर्ण ही करेंगे और जो भी रोगी है, बहुत दिनों से बीमार है, वो भी रोग मुक्त हो जाएगा। फिर हमारा जो तीसरा उपाय है बेलपत्र का पेड़। तो आप या फिर आपके गमले में है झाड़ बेलपत्र का, या फिर कहीं आपके इधर है बहुत बड़ा झाड़ बेलपत्र का, तो आपको क्या करना है, रविवार का दिन है और बेलपत्र के दिन, प्रदोष के दिन भगवान शिव स्वयं विराजमान रहते हैं बेलपत्र में, तो आपको उस दिन जाना है। किसका दीपक, या फिर आप आटे का दीपक बनाएं या फिर मिट्टी का दीपक होता है ना वो ले लें, और उसमें लंबी बत्ती बनानी है, गोल बत्ती नहीं, और गाय का घी डालना है और लंबी बत्ती बना के आपको सीधे लेके जाना है बेलपत्र का, जहाँ झाड़ हो वहाँ पे आपको लेके जाना है। फिर वहाँ पे वो दीपक जला देना है, ठीक है। फिर भगवान को याद करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, वो आपको वहाँ पे दीपक बेलपत्र के नीचे रख देना है और वहाँ से एक चुटकी मिट्टी या फिर एक चम्मच, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाना है, थोड़े क्वांटिटी में एक चम्मच या एक चुटकी मिट्टी आपको लेके आपके घर के कॉर्नर में आपको रख देना है, कोई भी कमरे में, ठीक है। जहाँ पर अगर आप अपने धन या अपने ज्वेलरी या अपने अनाज ये सब रखते हैं, वो वाले रूम में अगर एक कॉर्नर में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको एक कमरे में जाके रख देना है वो मिट्टी को और भगवान से अपनी जो भी रुकी हुई मनोकामनाएं हैं, जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही हैं, वो आप भगवान से मांग सकते हैं। भगवान अवश्य पूरी करेंगे क्योंकि वो स्वयं विराजमान है आज के दिन, प्रदोष व्रत के दिन। तो आप जो भी उपाय मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये केवल जो व्रत हैं वही करें, ये उपाय कोई भी कर सकता है, जो व्रत है वो भी कर सकता है, जो व्रत नहीं है वो भी माता बहनें सब लोग कर सकते हैं और इसका फल बराबर का मिलने वाला है। जो व्रत हैं उनको भी वही फल मिलेगा, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, और जो उपवास नहीं है उनको भी ये करने से बराबर का उनको पुण्य मिलने वाला है, बराबर का आशीर्वाद मिलने वाला है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। तो आपसे विनती है कि जो पहले बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और भगवान का एक प्यारा सा नाम, अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो भगवान का एक प्यारा सा नाम कमेंट ज़रूर करें। तो हम चलते हैं अपने चौथे आखिरी उपाय की तरफ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेना है आपको बेलपत्र, ठीक है। फटा वटा नहीं रहना चाहिए बेलपत्र, कभी भी अच्छी रहनी चाहिए, कटे फिटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए हमें शंकर भगवान को। तो हमें यहाँ लेना है 5 बेलपत्र और लेना है शमी के पत्ते। तो कितनी क्वांटिटी में शमी के पत्ते लेने हैं, 2। कितनी क्वांटिटी में, 2 शमी के पत्ते लेने हैं।
और यहाँ पे आपको लेना है 10 अक्षत, यानी चावल के दाने लेने हैं 10, वो भी टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए। आपको इतना मालूम होगा कि कभी भी जो भगवान को हम चावल चढ़ाते हैं वो टूटा नहीं रहना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का लंबा रहना चाहिए, यानी टूटा नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो फिर आपको वो चावल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, खंडित चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आपको चावल लेना है 2 शमी के पत्ते, क्वांटिटी चावल का कितना 10, शमी के पत्ते 2 और 5 बेलपत्र आपको लेना है। और आपको लेना है यहाँ पे एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है, तांबे का लोटा लेना है। और उसमें आपने सब कुछ डाल दिया, शमी के पत्ते, बेलपत्र और चावल के दाने, और आपको किचन से, आपके घर से पानी भर लेना है वो लोटे में, ठीक है। फिर ये कलश, ये लोटा जो कलश है उसको उठाने के पहले आपको एक और उपाय आपके घर पे ही करना है। तो उसमें क्या करना है, आपको करना है एक आटे का दिया बना लो, ठीक है, फिर उसमें लंबी बत्ती और घी, गाय का घी डाल के लंबी बत्ती आपको जला के आपके मेन गेट पे रख देना है। तो ये जो उपाय है आप सुबह या शाम के टाइम कोई भी समय कर सकते हैं। तो आपको ये बत्ती जलानी है और आपके मेन गेट पे रख देना है, उसके बाद ही आपको बिना चप्पल पहने नंगे पैर आपको ये कलश उठानी है और शिवालय लेके जाना है, ठीक है। तो आपने दिया जला दिया आपके मेन गेट पे, फिर आपको ये कलश लेके शिव मंदिर जाना है और भगवान के ऊपर अर्पण कर देना है, भगवान के ऊपर चढ़ा देना है। चढ़ाते टाइम आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, या फिर आप कोई और मंत्र का जाप, और सबसे अच्छा तो आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यहाँ पे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मूर्षीय मामृतात्, ये मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान को अर्पण करें। फिर उसके बाद जो जल बह रही है आप कोई भी पात्र में थोड़ा सा ले लें, और आप अपने घर में जाके सब घर में जितने भी कमरे हैं आप वहाँ पे छिड़क दें और अपने नेत्रों पे लगाएं। अगर कोई बीमार है तो उसको अवश्य वो जल नेत्रों में लगाने को दें, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जल चढ़ाते समय भगवान का नाम लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको भगवान के चौखट पे बैठ जाना है, भगवान के मंदिर में थोड़े समय के लिए बैठ जाना है और भगवान की स्तुति करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। वहाँ बैठ के आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का थोड़े टाइम के लिए जाप करें और अपनी मनोकामना मांगते हुए, यहाँ पे ये जो उपाय बताई हूँ ये सबसे ज़्यादा मनोकामना पूर्ण होने वाली उपाय है। तो आप यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं मांगें, आपके संकट को हरने के लिए भगवान से कहें और भगवान की जयकारा लगाएं और अपने घर पे आ जाएं। तो ये चारों उपाय आप अवश्य प्रदोष व्रत के दिन करें, ठीक है। अगर प्रदोष काल में भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, तो आप इस दिन करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप प्रदोष काल में, और एक और उपाय है जो कि आप प्रदोष काल के समय जाके आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जला दें, एक लंबी बत्ती या गोल बत्ती कोई भी बत्ती आप दीपक जला दें पीपल के पेड़ के नीचे, तो उस दिन लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी माँ खुद विराजमान रहती हैं, और आप देखेंगे कि आपके ये दीपक जलाने से आपके घर में धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी माँ अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे आपके ऊपर। तो आप ये प्रदोष के दिन, रविवार के दिन आप ये काम ज़रूर करें, आप जाके एक पीपल के नीचे भी दीपक ज़रूर जलाएं। तो आप ये उपाय करें और देखेंगे कि आपको इसका फल कितना अच्छा मिलता है, आपकी मनोकामनाएं सब
होंगी। तो बोलो हर हर महादेव। धन्यवाद।